आप जिंदगी में बड़ी से बड़ी गलती कर दे लेकिन उस नेहमत से दूर रहिए। और तुम मेरी इतनी फिक्र मत कर, हो सकता है फ्यूचर में नेहमत की फिक्र करनी पड़े। अपने खानदान की नाक कटा के भागी मंडप से, कैरेक्टरलेस कुड़ी, कैरेक्टरलेस बोले। पूरी दुनिया भी अगर तेरे खिलाफ हो जाए ना तो भी मैं कभी तेरा साथ नहीं चाहिए था ना तुझे कि तेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, मैंने अपना हिस्सा भी तेरे नाम कर दिया है। अब उठा ये प्रॉपर्टी पेपर्स और निकल यहां से। नानी एकम के साथ जो तू करके गई थी उसके बाद भी कुछ बच गया था क्या जो वापस से आगे उनके दिल के टुकड़े टुकड़े करने? नानू नानी के जिंदा रहने से भी कोई एतराज है क्या तुझे? नेहमत देख, मैं उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, वो सब मेरे लिए जान से भी बढ़कर है, इसलिए मैंने उन्हीं के प्यार के चक्कर में एकम से शादी की और आज उन्हीं के प्यार की वजह से मैं तुझसे नफरत करती हूँ। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हम सबको और बर्बाद मत कर, जा यहाँ से। मैं अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से जाऊंगी। किसी के कहने पे नहीं। और मैं भी तुझे बता दूं कि अब बहुत हो गया तेरा, मैं अब तुझे किसी का दिल नहीं दुखाने दूंगी। बहुत तमाशा बना लिया तूने नानू नानी का, और एकम उससे दूर रहना। अब वो मेरा हस्बैंड है और मेरी मांग का सिंदूर है, मैं तुझे उससे और हर्ट नहीं करने दूंगी और मैं उसकी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब वो अलग बात है कि मुझे एकम को इस वक्त तुझसे बचाना पड़ रहा है, उस लड़की से जो एकम के थोड़े से प्यार के लिए हर दर्द को सह लेती थी। आज उस लड़की को एकम का जरा सा भी दर्द दिखाई नहीं दे रहा, पर अब तेरी वजह से एकम की आंखों में मैं एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। तूने मेरा बचपना भी देखा और मेरा बड़प्पन भी, याद है ना तुझे कैसे मैंने अपनी और एकम की एंगेजमेंट के बाद भी एकम को छोड़ दिया था तेरे लिए? पर अब नहीं, अब तू एकम को और दुख नहीं पहुंचा सकती, अब तू मेरा जुनून देखेगी। देखिए जी, ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही संभालेंगे, आप बीच में मत पड़िए। संधु साहब, आप तो पॉलिटिक्स में रह चुके हो, आपकी लोगों में अच्छी इज्जत है, आज जो आपके घर में चिकन फैला है उसके छींटे पूरे पिंड पे पड़ रहे हैं। हम भी बहन बेटियों वाले हैं, अगर आपके घर की बेटियां ऐसे शादी ब्याह को मजाक बनाएंगी
और आप साथ देंगे, ये तो बहुत ही गलत मिसाल होगी। ये हम कभी नहीं होने देंगे, क्यों भाइयों? हाँ भाई हाँ। माना कि ये सब जो हो रहा है वो सब गलत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बच्चियों का साथ छोड़ घर से निकाल दूँ। ये मिसाल आप लोगों के लिए ठीक रहेगी क्या? तेरी तबीयत पहले नहीं ठीक है, शांत कर अपने आप को। कुछ तो करना ही होगा जी आपको, या इन्हें घर से निकालिए या इनको जदाद से अलग कीजिए। इन लड़कियों का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वाह जी वाह। वाह जी वाह, क्या बात कही है आपने। वैसे नाम क्या है आपका? गुरजिंदर। मन तो कर रहा है आपका नाम गुरजिंदर से बदल के दिलजीत रख दो। दिल जीत लिया आपने और आपकी बातों ने। ओ जी, अब बच्चे बच्चे की जुबान पे है ये बातें, गलत तो गलत है। बिल्कुल सही कहा जी आपने, गलत तो गलत है, और गलत सही हो भी कैसे सकता है। और गलती किसी ने भी की हो सजा तो बनती है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आहो, लड़कियों को तो लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए, पर इन लोगों ने तो पूरा गदर मचा रखा है। ओ गदर नहीं जी, महागदर मचाया हुआ है इन लोगों ने तो। ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। अब समझी मैं एकम क्यों इस नई नेहमत को देख के इतना परेशान हो रहा था। अरे मुझे तो खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि तू वही पहले वाली नेहमत है, तो एकम का क्या हाल हो रहा होगा। पता नहीं मैं क्यों हमेशा ये सोच सोच के खुश होती रहती थी कि मुझे इस दुनिया की सबसे बेस्ट बहन मिली है। पता चल गई ना मेरी असलियत, तो अब मेरे बारे में कोई गलत फहमी मत पालना, ठीक है हरलीन? कभी नहीं, वो तो मैं पागल थी जो मैं यकीन नहीं करती थी कि नेहमत ऐसा कर सकती है, नेहमत एकम को मंडप में छोड़ के भाग सकती है। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि तू कुछ भी कर सकती है। तुझे पता है तेरे लिए हम लोग जितनी तालियां बजाए ना उतनी कम है। A very big hand for Miss नेहमत, तूने तो नास को तक पीछे छोड़ दिया। क्या चाहिए था तुझे? ये जमीन के पेपर्स, तेरा हिस्सा। तुझे अंदाजा भी है, नानू तुझे खुद तेरा हिस्सा देने वाले थे, तूने तो सबर कर लेती। तूने तो अपने मुंह से ये बात बोल के ना नानू नानी के सारे भरम तोड़ दिए। तुम बेशक ये सब करने से पहले किसी के बारे में ना सोचती, पर सिर्फ एक बार तो नानू नानी के बारे में सोच लेती नेहमत। बहुत गलत कर रही है तू, शेम ऑन यू। मैं तुझे उससे और हर्ट नहीं करने दूंगी। कि जो जमीन आप हरलीन को देने वाले थे ना, वही हाईवे वाली, अब आप वो मुझे दे दीजिए। पंख रह गई उड़ारियाँ, टूटे हैं पंख रह गई उड़ारियाँ। वैसे आपकी तारीफ? मेरी तारीफ आप रहने ही दीजिए,
आपको रास नहीं आई, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, मैं वही हूँ जो इनकी भगोड़ी धोती को वापस लेकर आया है, इनका होने वाला जमाई। एक मिनट, लेकिन मैं ये सारी बातें इन लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्या ये सब लोग आपके किसी रिश्ते में लगते हैं, दूर के या पास के? नहीं पिताजी, ये हमारे पिंड के इज्जतदार लोग हैं। ओ, इज्जतदार लोग, वही इज्जतदार लोग जो रात को दो घूंट लगाकर आती जाती औरतों को रास्ते पे छेड़ते, या वो इज्जतदार लोग जो अपने घर की औरतों को इसलिए बाहर नहीं निकलने देते कि कहीं इन जैसा कोई उन्हें छेड़ ना दे, या फिर वो इज्जतदार लोग जो अपने घर की बहन बेटियों और बहुओं को किसी भेड़ बकरी से कम नहीं समझते? ये क्या बदतमीजी है, जब ठीक से जानते नहीं तो बकवास क्यों कर रहे हो? यही मैं भी कह रहा हूँ, क्या बदतमीजी है ये, जब तुम ठीक तरह से किसी को जानते नहीं हो तो उसके बारे में बकवास क्यों कर रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? आप इनकी धोती को अच्छे से जानते हैं क्या? ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक लड़की है और वो सब नहीं कर सकती जो आपकी रूल बुक में नहीं लिखा है। दो जवाब है, जवाब दो। तो ऐसा है इज्जतदार लोगों की इज्जत सबकी होती है, और बंदा जब तक किसी के हालात को ठीक तरह से जान समझ ना ले उसे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटिया बातें बोलने पर बंदे की बातें ही नहीं उसकी बूथी भी घटिया नजर आने लगती है। और किसी के घर की चार दीवारी के बीच क्या हो रहा है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं पढ़ना चाहिए। और कुछ गलत तो नहीं कहा ना जी मैंने? तो चलिए, आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, निकलिए। आ गए तू? अब पता लग गया होगा ना कि तेरी मॉमजी हर बार झूठ नहीं बोलती है। अब पता लग गया तुझे कि कैसी है तेरी वो प्यारी बहन नेमत? मुंह फेर लेने से तुझे क्या लगता है सच्चाई बदल जाएगी क्या? मैंने तो तुझे हमेशा से समझाने की कोशिश की है, लेकिन तू ही बोलती रहती थी, लड़ती रहती थी मुझसे, नहीं नहीं मॉमजी आपको नहीं पता नेमत बहुत अच्छी है, वो तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। देख लिया कि वो क्या क्या कर सकती है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तू आगे आगे देखना उसकी सारी सच्चाई बाहर आने वाली है। अरे अगर वापस ही आना था उसको तो क्यों भाग के गई मंडप से, और अब अचानक से प्रकट हो गई प्रॉपर्टी लेने। वाह वाह, मुझे तो इस महारानी की सारी प्लानिंग पहले से ही पता थी। मॉमसी प्लीज प्लीज स्टॉप इट, आप क्यों हो ऐसे, क्यों आपको हमेशा लगता है कि कोई कुछ भी कर रहा है तो उसके दिमाग में कोई प्लानिंग ही चल रही है? हेलो मेरी अरबा जिन्ने छल्ले सारे मेरे पल्ले, पता नहीं कहां से तुम दोनों आ गई हो मेरी जिंदगी में। एक तो वो नास जो पूरी मक्खी निकल गई, उस बूढ़े से शादी भी कर ली तब भी अकल नहीं आ रही उसे, और एक तू जिसकी नाक पे मक्खी बैठी है, मैं बता भी रही हूँ फिर भी नहीं समझना चाहती। अरे तू कभी भी थोड़ा सा दिमाग खुद नहीं लगाएगी? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या इतना सब कुछ हो गया, तूने इतना सब कुछ सहन लिया, इतना सब कुछ सुन लिया, उसके बाद भी तुझे मैं ही गलत लग रही हूँ? मॉमजी प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ, मैं आपकी बातें सुन के अपना और दिमाग खराब नहीं कर सकती हूँ, मत बोलिए कुछ। कमाल है भाई हरलीन, मेरी जिंदगी खराब हो रही है यहाँ, तुझे दिमाग खराब होने से फर्क पड़ रहा है? तू मेरी एक बात अच्छे से समझ ले, सुन भी ले, अगर तूने इस नेमत की हरकतों को रोका नहीं ना, बाद में इतनी आगे बढ़ जाएगी कि तू रोक नहीं पाएगी। और एक बात और, अपने दिमाग में अच्छे से घुसा ले, नेमत चाहे प्रॉपर्टी की बात करे या सरताज की, आई वो यहाँ एकम के लिए ही है। सरताज तो बस एक धूल है जो वो नेमत यहाँ पे सबकी आंखों में झोंक रही है। फोन क्यों नहीं उठा रहे?
जान, नानू पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहे। बेबी तुम इतना परेशान क्यों हो रही? हुआ क्या है? और फोन क्यों कर रही हो? नानू और मामा को मुझे यहाँ से लेके जाना था ना पगफेरे की रस्म के लिए, पर किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। ये क्या पगफेरे के लिए जाएगी? ये लोग ना सिर्फ कलेश ही डाल सकते हैं। अरे बेबी, पर ये पगफेरे में जाना जरूरी है क्या? अरे ऑफ कोर्स जरूरी है। सबके इमोशनल ग्राफ का रिकॉर्ड भी तो रखना है ना मुझे, कौन कितना हंसा कौन कितना रोया। अब उनकी बेटी ने जमीन का उनसे हिस्सा मांगा है, तो देखना तो पड़ेगा ना कि किसके दिल के कितने कितने टुकड़े हुए। दिल के चाहे जितने भी टुकड़े हुए हो, पर प्रॉपर्टी का टुकड़ा तुम्हारे पास ही आना चाहिए। हा? अब ये तो नहीं होने वाला डैडी जी, क्योंकि नेहमत ने सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। वो प्रॉपर्टी का टुकड़ा मेरे पास ही आने वाला था, पर वो नेहमत मेरे हर काम में टांग अड़ा देती है। अरे जान, मुझे पता है कि मेरी बेबी की टांग उससे भी लंबी है। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं जान, अरे आप कैसे मुझे छोड़ने जा सकते हैं? कोई भाई या पेके वाला होना चाहिए ना। और अच्छा ही हुआ कि मैंने प्रॉपर्टी की बात कर ली, एटलीस्ट नेहमत की असलियत तो सामने आ गई ना। एकम, मेरा एक छोटा सा काम है, तुम कर दोगे? देखो मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, पर बहुत छोटा सा काम है। बोलिए क्या काम है आपको? एकम, मुझे घर जाना था पगफेरे की रस्म के लिए, तुम छोड़ दोगे क्या? मुझे मेरा हक चाहिए, तो नाज ये जो जमीन है ना, इसमें मेरा भी हक है और मैं अपना हक लेके रहूंगी। और अपने घर की बेटियों के बारे में क्या कहना है आपको? मुझे परवरिश की थी कि पैदा होते ही ऐसे सड़कों पर छोड़ दिया था। क्या ही लड़ू मैं बाहर वालों से, जब अपने घर का हाल ही ऐसा। रिचल का ऐसे जनाजा उठने से पहले तो रब मुझे उठा लेता। ओए, ये कैसी बकवास कर रहा है? खबरदार, अगर मरने की बात दोबारा की तूने। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ होने वाले जमाई को कंफ्यूज करने का रिवाज है? क्योंकि आपकी नेमत तो आपके बड़े गुणगान करती है, कहती है मेरे नानू ऐसे हैं, मेरे नानू वैसे हैं, मेरे नानू फाइटर हैं, हालात से कभी हार नहीं मानते, पर आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे सब कुछ हार गए हो। हार ही गया हो सब कुछ, आप बचा ही क्या? कुछ भी नहीं। अरे ऐसे कैसे सब कुछ खत्म हो गया? मेरे जैसा जवाई है आपके पास, और मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद आपकी इज्जत पर आंच तक नहीं आने दूंगा। आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किल आएगी उसे पहले मुझसे लड़ना होगा, वादा है मेरा आपसे। जो हुआ सो हुआ, पर अब वही होगा जो आप चाहेंगे। बस एक चीज बता दीजिए मुझे, हम घर कब चल रहे हैं? बहुत भूख लगी है मुझे। चला, ओके। चलिए। सही तो कहा था रलील ने, मैं ही सब प्रॉब्लम की जड़, मैंने ही सबका दिल दुखाया है, मैंने ही सबको तंग करके रखा है। Do I look like a taxi driver? अगर आपको पगफेरे की रस्म के लिए अपने घर जाना है तो आप खुद से जा सकती हैं। केस के लिए भी आपको एक ड्यूटी पर आदमी चाहिए, खुद से चली जाइए। इंट्रोडक्शन तो देती जाइए, बता के जाइए कौन है आप। नेमत ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक।
ठीक है, छोड़ देता हूँ। देखा, पहले ना फिर हाँ। ये देवदास भी अपने पारों से मिले बगैर रह नहीं सकता। एकम, थैंक यू सो मच। कितना ख्याल है तुम्हें अपनी चाची का। मैं भी देखता हूँ हेमंत, तू कब तक भागेगी मेरे सवालों से? होना है स्वाद। अब देखो मैं क्या करती हूँ। आज एकम और नेहमत का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म।